नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वारंग। फादर्स डे मनाया जाएगा, सभी फादर्स अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, परिवार में खुशी का माहौल होगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, कुछ फादर्स ऐसे हैं जिन्हें ये खुशी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं है। उनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, फेक केसेस चल रहे हैं। जो आप भारत का कानून है वो इतना जेंडर बायस्ड है कि एक पति को कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाता। इट्स टोटली लीनिंग टुवर्ड्स वाइफ, जिसका शिकार ये पुरुष होते हैं। और इस कानून का इस्तेमाल करके पुरुषों को हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बच्चों से दूर रखा जाता है। तो इसके बारे में हमें कुछ करना होगा। आई टोटली बिलीव इन दिस कॉज, क्योंकि परिवार या बच्चों का जो अपब्रिंगिंग होता है वो बोथ पेरेंट्स की वजह से होता है। उसमें पति का, फादर का योगदान जरूरी है, उनका भी हक है बच्चों पर। इस कानून का गलत इस्तेमाल करके फादर्स को दूर रखा जाता है। फेक केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, फादर्स को केसेस लड़ रहे, बच्चे से मिल नहीं पा रहे। इस सब के लिए वास्तव फाउंडेशन काम कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है। वो काउंसिल कर रहे हैं, उनको कोर्ट केसेस में हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको साथ ला रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आप उसमें अफेक्टेड हो तभी आप ज्वाइन हो, अगर आप अफेक्टेड नहीं है बट यू बिलीव इन द कॉज लाइक आई बिलीव इन दिस कॉज, ऐसे सभी लोगों को साथ आना चाहिए, को सपोर्ट करना चाहिए। और सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि कानून में बदलाव लाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों, आने वाले जो फादर्स हैं जो फेक केसेस में फंसे जाएंगे, डाउरी, टॉर्चर, डोमेस्टिक अब्यूज, जेंडर बायस लॉ की वजह से फादर्स बुरी तरह से परेशान है। वी नीड टू सपोर्ट देम, वी नीड टू सपोर्ट दिस फाउंडेशन। एंड जैसे मी टू का मूवमेंट हुआ था, वैसे ही मेंटू भी है। कि लोगों को पता चलना चाहिए कि पति भी शिकार होते हैं। फॉर दैट वी नीड टू कम टुगेदर। धन्यवाद।